अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू पाकिस्तान वेदर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अब पूरे पाकिस्तान में कल वेदर कैसा रहेगा? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना। आपने देखिए, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर बारिश हुई हैं वो रावलपिंडी के अंदर हुई है। तकरीबन 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चकवाल के अंदर 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा देखिए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें हुई हैं। अटक के अंदर हुई है, इस्लामाबाद के अंदर हुई है, यानी मंगला के अंदर हुई है, जेलम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सिरगोदा के अंदर बारिश हुई है, यानी आलमोस्ट पंजाब के 70% इलाकों में बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा जो दर्ज रहा है वो नुकंडी, नलबुद्दीन, सखर, दादू के अंदर रिकॉर्ड किए गए 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए। अगले 24 घंटों के दौरान जो मौसम है वो इसी तरह बादल ही रहेंगे। पंजाब, खैबर पठार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलाई वस्ती सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, यानी यहाँ पर तेज़ हवाएँ होंगी और बारिश होगी। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं और ज़्यादा भारी भी हो सकती है। सो ये थी सिचुएशन। जनूबी पंजाब के अंदर बारिशें नहीं होंगी, कम बारिशें होंगी, जबकि बलाई और वस्ती पंजाब के अंदर ज़्यादा बारिशें होंगी। कश्मीर और गिलगित और KPK में इससे ज़्यादा बारिशें होंगी। और लास्ट पे सिंध और बलूचिस्तान में सबसे कम बारिश होने वाली है, यानी कहीं के इलाकों में बारिश होंगी। वैसे ज़्यादातर मौसम गर्म रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।